हिंदू धर्म में कई ऐसे ग्रंथ हैं जो अपने आप में विशेष बताए गए हैं। ऐसे ही गरुड़ पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें व्यक्ति के नरक में जाने की सजा लिखी हुई होती है। आइए पंडित जी से जानते हैं विस्तार। गरुड़ पुराण मरणोपरांत स्वबंधुओं को सुनाने वाला एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा पुराण है जिसमें व्यक्ति के जीवन से लेकर मरने के बाद तक उसके साथ में क्या क्या होता है यह उस पुराण में पूरा उल्लेख दिया गया है। इसमें जितने पाप उतने नर्क हैं, जिस प्रकार के पाप हैं उस प्रकार के नर्क हैं, जिस प्रकार से पुण्य का फल स्वर्ग एवं वैकुंठ आदि लोकों में भोगने को मिलता है, उसी प्रकार से पाप का जो फल है वो नर्क में मिलता है। नर्क भी कई प्रकार के, कुंभी पाक है, वैतरणी नदी है, इस प्रकार के बहुत सारे नर्क दिए गए हैं। उन नरकों में अलग अलग प्रकार के पापों की सजा अलग अलग प्रकार से दी जाती है। देखने में आता है कि जो मनुष्य अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, बेवजह उन्हें हाथ तक उठा देते हैं उनके ऊपर, ऐसे जीवों को यमदूत तेल के कड़ाओं में या और भी बहुत प्रकार की यातनाएं देकर के उन्हें दंडित करते हैं। जो पर धन को हड़प लेते हैं, जो दूसरे का धन हड़प लेते हैं, उनको भी क्रमी आदि नरकों में बहुत प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। जो स्त्रियों को, माता बहनों को बेवजह परेशान करते हैं, उनको अनेक प्रकार के नरकों में यातनाएं भोगना पड़ती हैं और तब तक भोगना पड़ती है जब तक कि उनको यह एहसास ना हो जाए कि हमने कर्म बहुत बुरा किया है। जीवों को परेशान करते हैं, उन मनुष्यों को बहुत प्रकार की बुरी यातनाएं गरुड़ पुराण के हिसाब से दी जाती है। इसलिए जितना हो सके हमें पाप कर्म से बचना चाहिए, अच्छे कर्मों को करना चाहिए। गरुड़ पुराण कहता है कि जितना हो सके उतना अच्छा कर्म करो और पाप कर्म से बचो। यदि पाप करोगे तो इन सारे नरकों में आपको जाना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा।